रजिस्ट्रेशन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है दो, या तो लाइसेंस या प्रायर परमिशन। लाइसेंस की वैलिडिटी, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वैलिडिटी है 5 ईयर्स, जो कि रिन्यू हो सकता है। इसकी वैलिडिटी है 1 टाइम। ये सब आगे लिख के आएगा, बट करेंटली जस्ट बिकॉज सी द अल्टीमेट आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज गाइज कि देखो ये जो चैप्टर है ना FCRA का, लैंग्वेज बुरा है, लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है वगैरह वगैरह, बट चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, स्कोरिंग है, ठीक है। इट इज़ लाइक दोज पीपल इन द फैमिली, यू नो कि देर आर सम पीपल हु टॉक रूड, ओके, दे कुड बी टॉकिंग रूड, बट योर मॉम और somebody इन द फैमिली ऑलवेज चले, अरे वो हैं अच्छे, वो बस बोलते ऐसे हैं, उनके बोलने का तरीका खराब है, वो अच्छे हैं, ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, ठीक है। ये FCR है ना, वही वाला चैप्टर है आपका, इट इज़ वेरी गुड एट हार्ट, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन इसका लैंग्वेज खराब है। तो अगर तुम लैंग्वेज को, इफ़ यू जस्ट ओवरलुक द लैंग्वेज, यू हैव अ लॉट टू लर्न। इफ यू जस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं, बट ये बात तो रूडली करता है ना, मेरे को नहीं इससे बात करना, यू कुड मिस आउट ऑन मेनी गुड थिंग्स दैट दैट पर्सन कुड गिव यू। कुछ चीज़ें लाइफ में इग्नोर करके आगे देखना पड़ता है, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोस। इसकी लैंग्वेज को इग्नोर करो, अंदर का चैप्टर बहुत अच्छा है, ओके। सो इसीलिए हम कॉन्स्टेंट टेलिंग यू आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सो दैट तुम्हारा इसके साथ रिलेशन अच्छा बन जाए। आई एम एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग विच यू डू विद दैट रिलेटिव, कि आदमी बुरा नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आगे पता है कॉन्फिस्केशन होगा, फिर उसकी ना ये होगा, आई टोल्ड यू द होल क्रक्स इन द स्टार्ट, जस्ट बिकॉज तुम्हें चैप्टर से थोड़ा रिश्ता फील हो जाए कि हाँ मेरे को चैप्टर का क्रक्स पता है, बाकी अब डिटेल बता दो, इज दिस ओके। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, एवरी पर्सन हुज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट शैल हैव टू गेट इट रिन्यूड। 5 साल के बाद रिन्यू होना है ना, लेकिन यहाँ पे रूल ये है दैट रिन्यूअल इज टू बी डन खत्म होने के 6 महीने पहले। लिसन टू बी वेरी केयरफुली गाइस, ये बड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है। मैं बोल रही हूँ लेट्स से दिस इज माई टर्म, यहाँ पे ना मेरे 5 ईयर्स खत्म हो रहे हैं, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा इस दिन, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी विल सीज, ठीक है। तो मैंने कहा इसके ना 6 मंथ्स पहले, ध्यान से सुनना बहुत कुछ आएगा इसमें, इसके ना 6 मंथ्स पहले, मतलब इन दिस ड्यूरेशन, एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी, आई विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, ठीक है। इस दौरान रिन्यूअल का नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होता है, एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब रिन्यूअल वो अलाउ करेंगे इस ड्यूरेशन में, बट रिन्यूअल इफेक्ट लेगा इस डेट से, इज दिस ओके। रिन्यूअल अप्लाई करोगे 6 मंथ से पहले, अलाउ होगा 6 मंथ्स में, इफेक्ट लेगा 5 ईयर्स के एंड से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, इफ़ सफिशेंट ग्राउंड्स आर शोन, सफिशेंट ग्राउंड्स आर शोन, सो लेट्स से इफ़ यू हैव सफिशेंट ग्राउंड्स ना, तो कब अप्लाई कर सकते हो, लेट हो गया कब, तो इस 6 मंथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बल्कि एक्सपायर होने के 4 मंथ्स बाद तक भी अप्लाई कर सकते हो इफ सफिशेंट ग्राउंड्स आर शोन, ये ठीक है। सो इफ सफिशेंट ग्राउंड्स आर शोन यू कैन अप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो, अगर उन्हें सही लगा दे में एक्सेप्ट, दे में रिजेक्ट, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने इस ड्यूरेशन में अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, सफिशिएंट ग्राउंड्स भी नहीं है मेरे पास, तो नाउ रिन्यूअल नहीं होगा, नया सर्टिफिकेट तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है। कब ले सकते हैं, 3 साल बाद, अरे 3 साल बाद, वो कहते हैं इसका कैंसिल हुआ है, मेरा तो लैप्स हुआ है खाली, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, सो इफ यू अंडरस्टैंड आई कैन स्टिल टेक अ न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, सो इफ यू अंडरस्टैंड, इसके बाद एनी विच वेज यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश वन ऑल्सो, तो फिर अंडरस्टैंड, ये 4 महीने में सफिशिएंट रीजन है तो रिन्यूअल मांग सकते हो, वरना तो एनी टाइम आप नया तो मांग ही रहे हो, इज दिस ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग अहेड, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज हैव अ लुक एट दिस लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन ग्रांटेड सर्टिफिकेट शैल हैव इट रिन्यूड विद इन 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी के 6 महीने पहले रिन्यू हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन उससे पहले होगी, यू अंडरस्टैंड दिस, द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शुड बी मेड टू CG, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिन्यू विद इन 90 डेज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज दे मे डीम फिट, एंड रिन्यूअल वापस 5 साल का होगा। हाउएवर इन केस CG डज नॉट रिन्यू, दे विल हैव टू गिव रीजंस, ओके ना, फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिफ्यूज टू रिन्यू द सर्टिफिकेट वेर अ पर्सन हैज वायलेटेड द प्रोविजंस, लाइक मैम कहाँ लिखा 6 महीने पहले अप्लाई करना है, आ रहे। Every certificate issued to a person shall be liable to be renewed after the expiry of 5 years from the date of issue. Every person shall apply to central government from 6 months before the date of expiry.
यू टू अप्लाई 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी. ठीक है, एप्लीकेशन के साथ 500 रुपये देना पड़ेगा. फीस फॉर रिन्यूअल बनेगा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक इन द नेम ऑफ दिस पेबल एट न्यू दिल्ली. इन केस नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इज रिसीव्ड, कोई बात नहीं, 5 साल खत्म होंगे, लाइसेंस लैप्स हो जाएगा. ठीक है, सो द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स. ठीक है, इफ द वैलिडिटी हैज सीज्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस फ्रेश रिक्वेस्ट कैन कम विच इज वॉट आई टोल्ड यू. इन केस अ पर्सन प्रोवाइड सफिशियंट ग्राउंड्स तो 6 मंथ्स एंड 4 मंथ्स फॉर नॉट सबमिटिंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द एप्लीकेशन मे बी एक्सेप्टेड विद कंसिडरेशन बट नॉट लेटर देन 4 मंथ्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट. तो इफ यू अंडरस्टैंड इफ लाइक मैम 6 मंथ्स नहीं लिखा है, इस 6 मंथ्स में तो अप्लाई वैसे भी नहीं करते ना, यहाँ कर दो ना आप अप्लाई, तो ये अप्लाई नहीं किया तो लेट ही हो गया ना, इस डेट के बाद सब कुछ लेट है. तो लेट इज़ अप टू 4 मंथ्स तक, तो यहाँ से लेके 4 मंथ्स. ठीक है, नेक्स्ट.